दोस्तों, क्या आप अपने घर के लिए एक सीढ़ी बनाना चाहते हैं लोहे की? पत्थर सीमेंट से परमानेंट सीढ़ी ना बना के आप लोहे की, मेटल की, पाइप की, MS की सीढ़ी बनाना चाहते हैं और आपको पता नहीं है कितने रुपए में बनेगी। यह वीडियो दोनों तरह से काम में आएगी, कारीगरों के मतलब की भी है जो बनाने वाले हैं, और जो बनवाने वाले हैं, जो कस्टमर हैं, उनके भी मतलब की है वीडियो। तो दोनों तरह के जो मेरे व्यूवर्स हैं, सभी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोनों पार्टियों को फ़ायदा होगा ये वीडियो में, सबके लिए ये वीडियो है। तो सबसे पहले कारीगरों की बात कर लेते हैं, प्राइस की डिटेल एंड में दूंगा, ठीक है। ये छत की हाइट है 11 फिट, छत की हाइट 11 फिट है, नीचे से जहाँ तक सीढ़ी गई हुई है, मतलब कि यहाँ तक ये छत की हाइट है 11 फिट, ठीक है। और ये दीवार से लेके ये सीढ़ी जहाँ पे ख़त्म होती है, ये है 13 फिट, वो दीवार से लेके यहाँ तक 2 फिट का छज्जा हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि 11 फिट अगर हाइट है तो 11 फिट ही सीढ़ी पीछे की तरफ जाएगी, तो 45 डिग्री के एंगल में आ जाएगी ये जो पाइप है, पहला काम। दूसरा, हमेशा कारीगर लोग पूछते रहते हैं कि भाई स्टेप से स्टेप की दूरी कितनी है, तो इसको आज मैं क्लियर कर देता हूँ। पूरे ध्यान से देख लें भाई लोगों, यहाँ पे कारीगर लोगों के लिए ये सब मैं बता रहा हूँ अभी। ये 12 इंच का गैप है यहाँ पे, पाइप को जब आप नीचे रखते हैं तो 12 इंच का गैप है, और जब आप ऐसे देखते हैं तो 7.5 इंच का गैप है, 7.5 इंच का गैप, 7.5 इंच का गैप। तो ये गैप 1-2 सूत ऊपर नीचे हो सकता है, 7.5 की बजाय 8.5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, तो ये इसी के आसपास रहेगा, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं, ये 6 इंच का गैप है इसमें, यहाँ पे ये पाइपों में आपस में 6 इंच का गैप है। 2 लगाइए 3 भी लगा सकते हैं, कस्टमर के अकॉर्डिंग है। एक पाइप लगेगी, उसके बाद एक स्टेप छोड़ के, एक टप्पा छोड़ के फिर एक पाइप लगेगी, फिर एक छोड़ के फिर एक पाइप लगेगी। ये कारीगर लोगों के लिए आइडिया दे रहा हूँ। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि ये सीढ़ी की चौड़ाई 2.5 फिट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 31 इंच। तो कस्टमर की अपनी अपनी मर्जी है, कोई कितनी है तो कोई कितनी बनवाता है। 2.5 फिट नॉर्मल साइज है, मोस्टली यही साइज ज़्यादातर कस्टमर बनवाते हैं। और जो इससे यहाँ की यहाँ तक हाइट है, ये 30 इंच होती है, 30 इंच, ज़्यादातर कस्टमर 30 इंच की ही बात करते हैं। कभी कभी कोई कस्टमर 3 फिट भी बनवा लेता है, तो वो कस्टमर के ऊपर है। तो दोस्तों, ये होगी हमारी सीढ़ी की कारीगरों के लिए जितनी मैं डिटेल दे सकता था। बाकी मैंने और भी बहुत सारी वीडियो सीढ़ी पे बनाई हुई है, ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएंगी। अब दोस्तों, बात करेंगे सीढ़ी का प्राइज, वेट, रेट और कारीगर कितनी लेबर लेता है, ये सब के बारे में। तो अब कस्टमर लोगों के लिए बात बता रहा हूँ, अब तक बता रहा था कारीगरों के लिए, ठीक है। तो ये हो गई सीढ़ी, 11 फिट की छत है, कस्टमर के लिए भी सेम सीन है। 14 स्टेप है इसके अंदर, ये वाले स्टेप 14 है, 2 इंच बाई 1 इंच की फट्टी से बनाई गई है, 1.5 क्विंटल वजन है, 150 किलो वेट है सीढ़ी का। 18 दिसंबर को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 18 दिसंबर 2021, ठीक है। तो आज के रेट के हिसाब से 80 रुपये किलो, 80 रुपीज़ kg, 1.5 क्विंटल 12,000 रुपये का मटीरियल हो गया, लोहा हो गया, ठीक है। उसके बाद जबकि पाइप अभी 60 रुपये किलो, 62 रुपीज़ चल रही है पाइप, और 3,000 रुपये हम इस सीढ़ी के एक्स्ट्रा लेते हैं, 3,000 रुपये इसको यहाँ पे आके फिटिंग करने का मतलब है, हम घर से, मतलब अपनी वर्कशॉप से ये पाइपें अलग अलग लेके आते हैं, स्टेप बने हुए होते हैं, यहाँ पे आके इन स्टेप को यहाँ पे वेल्डिंग किया जाता है। वैसे अगर देखा जाए, अगर कस्टमर 3,000 रुपये नहीं देना चाहता, नीचे दिखाओ, अगर कस्टमर 3,000 रुपये नहीं देना चाहता, अभी ऊपर दिखाओ, अगर कस्टमर 3,000 रुपये नहीं देना चाहता फिटिंग के, तो इसको हम अपनी वर्कशॉप से बना के भी दे सकते हैं, लेकिन उसको उठाने के लिए, वहाँ से ज़मीन से उठा के यहाँ तक लाने के लिए क्रेन वाला भी तो पैसे लेगा, 2-3 हज़ार रुपये वो भी ले लेगा। फिर ये सीढ़ी के टप्पे कोई ऊंचे हो जाएंगे, कोई नीचे हो जाएंगे, उस चीज़ का पता नहीं है किसी को, ठीक है। वहाँ से उठा के लाने में भी वैसे भी 3,000 रुपये लग जाने हैं, तो उससे अच्छा कारीगर को यहाँ पे बुला के ये सेटिंग, ये ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। और 3,000 रुपये फिटिंग, 12,000 का लोहा मटेरियल,
पेंट का 1000 रुपये एक्स्ट्रा लगभग हो जाता है। इसमें 14 स्टेप हैं और आपकी छत की हाइट कम ज़्यादा है तो आप खुद से ही आइडिया लगा सकते हैं कि कितना फ़र्क पड़ने वाला है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे। अगर आपकी छत की हाइट, ये यहाँ पे आ रहे हैं 14 स्टेप, 15000 रुपये टोटल कॉस्ट है। आप ऐसे समझ लो 1100 रुपये का आपका एक स्टेप हो गया, मोटा मोटा हिसाब ये है। अब जितने स्टेप होंगे उतने ही 1100 रुपये से उसको मल्टीप्लाई कर लो, वेरी सिंपल। ये सीढ़ी की टोटल कॉस्ट विदाउट पेंट 15000 रुपये, पेंट करके 16000 रुपये। अभी सीढ़ी के ऊपर से मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, आ जाओ। अगर ये सीढ़ी जगह आपके पास कम है, जगह की कमी है, तो ये सीढ़ी फिर ज़्यादा उठी हुई बनेगी, जिसमें यहाँ पे पैर नहीं टिकेगा, बंदा वापस आता है तो पैर नहीं टिकता फिर, अगर कम जगह में सीढ़ी बनाएंगे तो। अगर आपके पास जगह की कमी है तो फिर आप ऐसे सीढ़ी बनवाएं, ऐसे आके और फिर यहाँ से ऐसे, अगर जगह कम है आपके पास तो। लेकिन अगर जगह खुली डुली है तो इसको 45 डिग्री के एंगल में रहने दें। अब ऊपर से थोड़ा और दिखा देता हूँ चलते चलते। प्राइस मैंने आपको बता दिया है। ये सीढ़ी चढ़ने में बहुत आसान है, कोई भी बंदा चढ़ सकता है इस पर। अब बुज़ुर्ग लोगों को थोड़ी मुश्किल आ सकती है, ये बहुत सिंपल और बहुत अच्छी सीढ़ी है, मजबूत है। चाहे 10 बंदे इसके ऊपर एक ही टाइम में खड़े हो जाएंगे अलग अलग स्टेप पे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस सीढ़ी को। और टोटल कॉस्ट 16000 रुपये। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसके अलावा कुछ और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, मैं एवरी संडे रात को 9 बजे लाइव आता हूँ। आपका कोई सवाल, सुझाव या अनुभव हो तो रात को 9 बजे एवरी संडे मैं लाइव आता हूँ। आप लाइव में आके अपने सवाल जो आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी molisingh1986 है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन जरूर दबाएँ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।